वो भला तो जब होगा जब उसको पश्चाताप होगा और माफी मांगेगा तब भला होगा। कौन कहता उसको भला? लोग सेलिब्रिटी है, पैसों के लिए सब ऐसे करते हैं, कोई भला वाला नहीं है। उसका इतिहास देखो आप। मैं सलमान खान दोषी पाया गया था तो उन्हें अब कितनी कार्रवाई चल रही, क्योंकि सर कानून की तरफ से कहीं वो फ्री है या कहीं नहीं? उसका एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट में। वो फ्री होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन काफी समय बीत चुका है कि मतलब कुछ मतलब सामने नहीं आ रहा है कि उन्हें पकड़ी चुके हैं। वो न्यायपालिका की प्रक्रिया है, उसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। बाकी उसके ऊपर केस चल रहे हैं और वो दोषी करार है। जो सलमान खान करियो है उन बारे में विश्नोई समाज की कई प्रतिक्रिया है, आप लोग कई सुझाव इन मामले में? सलमान खान हमारे विश्नोई समाज का पक्का दोषी है और कानून ने भी उसको दोषी माना है और सर्व समाज का भी दोषी है और वन्य जीवों का भी वो दोषी है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक की हत्या की है और वो भी हमारे यहाँ जोधपुर आके की है। हमें बड़ा दर्द है। कुछ चैनल है, मीडिया चैनल वालों में बताया जा रहा है कि आप जो है विश्नोई समाज जो है किनारों कर चुके हैं लॉरेंस विश्नोई से, जो कि आप देख रहे हो कि कई बार नाम सामने आ रहा होना, तो कितनी सच्चाई इन मामले में? कोई सच्चाई नहीं है। लॉरेंस हमारे समाज का है, था और रहेगा, हमारा बच्चा है। अपने बच्चा को घर से कोई निकाला जाता है क्या? वो समाज का विभिन्न अंग है और रहेगा। लेकिन ये जो इतना सारा जो लगातार जो है शूट हो रहा है उनमें लॉरेंस अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, आपने कहीं लग रहा है कि वाकई में लॉरेंस ही इन मामला में है या नहीं? वो पुलिस जाने और लॉरेंस जाने, इस मैटर में जांचें चल रही, इसमें हम थोड़ी बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। ये कानून प्रक्रिया का काम है, जो कानून ही देखेगा। अब विश्नोई समाज जो कि पर्यावरण प्रेमी है, जीव जंतु प्रेमी है और कई विश्नोई समाज जो कि पर्यावरण प्रेमी है, जीव जंतु प्रेमी है, कई अगर कोई जीव जंतु ने अगर शूट कर दे वह, तो कई विश्नोई समाज अपने हाथ में ले वाला इन चीज ने कि वे बदलो ले वाला या कानून की तरफ से ही चावेला? देखो मेरी बात सुनो, विश्नोई समाज ने आज तक राजा महाराजाओं के टाइम पेड़ काट रहे थे, उस टाइम भी सैनिकों को नहीं मारा, खुद चिपक के 363 माँ अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हो गए। आज तक जो हिरणों में कितने हमारे आपके सामने कोई 20 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें सर्व समाज के भी हैं और विश्नोई भी हैं, जाट भी है, राजपूत भी है, और वो शहीद हुए हैं। तो वो भी शिकारी एक को नहीं मारा, वो खुद शहीद हुए। हमारे हम जीव हत्या के खिलाफ है। हम लोग जब शिकारी गोली चलाता है तो उस वन्य जीव को बचाने के लिए हमारा सीना आगे दे देते हैं, हम मर जाते हैं पर उस वन्य जीव को नहीं मरने देते हैं। आज तक आप देखो शिकारी कहीं मरा हो तो नहीं मरा, और बचाने वाला हमेशा मरा है। क्यों मरा है? वो हिरण के और गोली के बीच में आता है, इसलिए हम तो कहीं सामने कोई नुकसान करते ही नहीं किसी को। अगर सलमान खान मुकाम धाम में आकर माफी मांग ले गए तो कई विश्नोई समाज माफ कर देला उन्हें? देखो ये बात, पहली बात तो वो प्रस्ताव देवे, उसके बाद गुरु महाराज के मंदिर के सामने आके वो माफी मांगे। माफ करने वाला गुरु जम्बेश्वर भगवान है, हमारा समाज है। पर यह है कि हमारा समाज दयावान है, हमारे समाज के अंदर एक नियम है, क्षमा दया हृदय धरो, मतलब माप हमारे समाज में करते हैं। गुरु महाराज के कहा हुआ है, अगर वो हैकड़ी छोड़ के और मंदिर के सामने आके वचनों के साथ कि मैं आइंदा से कोई वन्य जीवों का शिकार नहीं करूंगा, पेड़ पौधों की रक्षा करूंगा, पर्यावरण बचाऊंगा, प्रकृति बचाऊंगा, तो हमारा समाज इस पे विचार कर सकता है, माफ भी कर सकता है। अगर वाकई में सलमान खान की अंदर से इच्छा हो रही है ऐसी, हमारी तरह जो माहौल बन रहा है इन मामले में, तो उन सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको विश्वी समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज 24 साल से दर्द लिए घूम रहा है। उसको सोचना चाहिए कि उसने इतने 75 लाख जनता का दिल दुखाया है और पर्यावरण प्रेमी और कितने हिंदुस्तान में उन सब का दिल दुखाया है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है
उस गलती मेरी एक माफी से अगर अमन चैन आता है और कोई समाज अगर कुछ रात की सांस लेता है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने वाला कोई छोटा आदमी नहीं होता है, एक समाज से माफ़ी मांग रहा है। आदमी तो चलते आदमी में कोई अगर गलती हो जाती वो भी सॉरी बोलता है, तो वो कोई अगर घमंड जो है ना उसका, वो घमंड को एक साइड में रख के और अमन चैन के लिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज नहीं तो कल माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी उसको, माहौल ख़राब हो रहा है और हर आदमी उसको उसके फैंस नहीं रहे। लोगों को पता चला है हर उसका फैंस ख़त्म हो रहे हैं, तो अगर उसको अपनी भी इज्जत बचानी है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ सलमान खान का जो फैंस की बात आप कर रहे हो, वाणोज के हमने कि जाने अनजाने अगर गलती हो गई है लेकिन सलमान खान दिल से बहुत अच्छे है, कई तरह की ट्रस्ट चला रहे है, लोगों ने दान पुण्य दे रहे है, बीइंग ह्यूमन चला रहे हो, तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। विष्णु समाज अगर माफी नहीं मांगे तो भी, मेरी बात सुनो, वो दिल का अच्छा है क्या? उसने रोड पे सो रहे लोगों के ऊपर से गाड़ियां निकाली है, उसने कई पार्टियों में थप्पड़े चलाए, उसने उनके उसके बड़े बड़े लेवल के स्टारों के साथ में लड़कियों की बेइज्जती की है उसने, वो क्या भला आदमी है? वो भला तो जब होगा जब उसको पश्चाताप होगा और माफी मांगेगा तब भला होगा। कौन कहता उसको भला? लोग सेलिब्रिटी है, पैसों के लिए सब ऐसे करते हैं, कोई भला वाला नहीं है। उसका इतिहास देखो आप,